संजय दत्त की लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक्टर की फिल्मों से लेकर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ तक सब कुछ चर्चाओं में रहा है। एक बात खुद संजय दत्त ने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। हालांकि आज के इस वीडियो में हम आपके साथ संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित के साथ उनकी नज़दीकियों के बारे में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने साथ साथ कई फिल्मों में काम किया था। इसमें साजन और खलनायक जैसी बेहतरीन फिल्में भी शामिल थीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक बार किसी डायरेक्टर ने इंटरव्यू में नाम ना छापने की शर्त पर बताया था कि संजू बाबा माधुरी के इस कदर दीवाने थे कि वह हर वक्त सेट पर उनके आगे पीछे करा करते रहते थे। इतना ही नहीं, वह अक्सर माधुरी के कानों में आई लव यू कहते रहते थे। वहीं एक बार किसी इंटरव्यू में माधुरी ने संजय दत्त के बारे में बात करते हुए कहा था कि एक जेंटलमैन है और हर वक्त उन्हें हंसाते हैं। बहरहाल 1993 में जब मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय दत्त का नाम आया था, तब कहते हैं तो उनके और माधुरी के रिश्ते में दरार आना शुरू हो गया और इनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए थे। इसके बाद माधुरी ने डॉक्टर श्री राम नेनी से शादी करके सबको चौंका दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।